भी बन सकता है, ये का कभी किसी ने सोचा था? आप सभी का चैनल 7 पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देश की शिक्षा पद्धति में ऐसी क्या कमी है कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहे हैं। हालिया ट्रेंड्स बताते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 6 सालों में ही वह संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। राज्यसभा में हाल में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया गया कि वर्तमान में 11.3 लाख भारतीय स्टूडेंट्स विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। 2022 में यह संख्या और बढ़ने जा रही है। रुपए के निरंतर कमजोर होने के बावजूद इस साल रिकॉर्ड संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स विदेश गए हैं। वे केवल ट्यूशन फीस के रूप में ही अरबों डॉलर चुकाते हैं। लगभग इतना ही खर्चा वे विदेशों में रहने या वहां आने जाने के लिए करते हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक एक साल में भारतीय स्टूडेंट्स द्वारा विदेशों में खर्च की जाने वाली राशि 30 अरब डॉलर तक हो सकती है। यह इतनी बड़ी रकम है जिससे अपने देश में अनेक नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है। मिसाल के तौर पर 2018 में सरकार ने 8 नए IIT को वित्तीय सहायता देने के लिए बजट में बढ़ोतरी की थी। यह राशि 13,990 करोड़ रुपए या 2 अरब डॉलर के बराबर ही थी। तो आखिर चल क्या रहा है? इतनी महंगी होने के बावजूद विदेशी पढ़ाई की इतनी मांग क्यों है? ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि बच्चों को विदेश भेजने के लिए पेरेंट्स ने जमीन और संपत्तियां बेच दी या भारी कर्ज लिया। जबकि बीते 2 दशकों में भारत में भी नए निजी कॉलेजों में बूम आया है, फिर भी विदेशी पढ़ाई का मोह इन पर भारी पड़ता है। भारत में हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, लेकिन विभिन्न सर्वे के मुताबिक इनमें से 90% ऐसे हैं जो अवसर मिलने पर विदेश में पढ़ाई करना चाहेंगे। जब हमारी फिल्में, संगीत, किताबें, भोजन, कपड़े, एप्स, होटल अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, तो शैक्षिक संस्थान वैसा क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब खोजने से पहले हमें अपने भीतर झांक कर देखना होगा। ब्रेन ड्रेन ये शब्द हम सुनते हैं। 37-year-old Parag Agarwal is the CEO of Twitter. Amount of opportunities abroad are much much better and much more advanced than here, and you have a chance to have a better livelihood abroad. ये रहे कुछ कारण जिनके चलते भारतीय छात्र विदेशों को प्राथमिकता देते हैं। यूके, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के किसी औसत कॉलेज की तुलना में भारत के औसत कॉलेजों का वैसा कद नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटियों को छोड़ दें तो भारत के शैक्षिक संस्थान अपना ब्रांड बनाने में नाकाम रहे हैं। ब्रांड केवल विज्ञापन या लोगों से नहीं बनाए जा सकते, इसके लिए विश्वास, उत्कृष्टता, आला दर्जे के नॉलेज और कार्यशैली की जरूरत होती है। आपको कितने भारतीय विश्वविद्यालयों का नाम याद आता है जो इन मूल्यों का पालन करते हों? भारत के अनेक निजी विश्वविद्यालयों ने आलीशान कैंपस जरूर बना लिए हैं, लेकिन उनके शिक्षक, पाठ्यक्रम, कार्यशैली, सोचने की क्षमता आदि वही पुराने धर्रे के बने हुए हैं। ऐसे लोगों के हाथों में अपने भविष्य को सौंपना डरावना लगता है। इसके बजाय यूके के किसी 300 साल पुराने कॉलेज में जाना बेहतर लगता है, फिर भले ही वह टॉप में से एक ना हो। सेंट स्टीफन्स या IIT जैसे कुछ भारतीय शैक्षिक ब्रांड आज भी अपना रुतबा बनाए हुए हैं, लेकिन ये वही कॉलेज हैं जो कि कई दशक पहले भी श्रेष्ठ माने जाते थे। इतने सालों में छात्रों की संख्या कई गुना बढ़ गई, लेकिन आज नए IIT और IIM की वैसी प्रतिष्ठा नहीं है जैसे कि पुराने वालों की थी। पूछा जाना चाहिए कि इन नए कॉलेजों का संचालन आखिर कौन कर रहा है? हमने चमचमाते कैंपस जरूर बना लिए हैं और अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन भी दे दिए हैं या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए हैं, लेकिन घूम फिर कर सवाल यही है कि कॉलेजों की बागडोर किन लोगों के हाथों में है? हार्डवेयर को चाहे कितना अच्छा बना लें, समस्या तो सॉफ्टवेयर की है। एक बेहतर शैक्षिक संस्थान बनाने के लिए आपको प्रेरणा से भरपूर लोगों की जरूरत होती है जो दूर की सोच सकें। यह काम कोई कारोबारी या रिटायर्ड प्रोफेसर नहीं कर सकते, लेकिन इन नए संस्थानों के प्रबंधन में आपको अमूमन इसी तरह के लोग मिलेंगे। दशकों की चर्चाओं के बावजूद आज भी हमारे देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस नहीं हैं। अगर ऐसा हो सके तो भी अनेक स्टूडेंट्स को विदेश जाने से रोका जा सकेगा।
अगर कोई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस खोलता है, फिर चाहे वह किसी लोकल पार्टनर के साथ हो या ना हो, तो इसमें कोई शक नहीं कि अपने ब्रांड को ध्यान में रखते हुए वह उत्कृष्टता और कार्यशैली के अपने उच्चतर मानदंडों का पालन करेगा। सच्चाई यह भी है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को अपना देश उतने अवसर नहीं देता जितने कि विदेश के कुछ देश देते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर जैसे चंद ही सेक्टर्स हैं। अलबत्ता किसी को विदेशों में शिक्षित होने या ना होने को लेकर जज नहीं किया जा सकता और सभी को अपनी पूर्ण क्षमताओं को अर्जित करने का अधिकार है। लेकिन अगर हम अपने कॉलेजों को थोड़ा और आकर्षक बना सकें तो अपनी प्रतिभाओं का पलायन रोक सकेंगे। हम एक ऐसा देश क्यों नहीं बना सकते जिसमें किसी युवा को विदेश में जाकर पढ़ने या रहने की जरूरत ही महसूस ना हो। शैक्षिक तंत्र में बदलाव से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी और खोलना होगा, विकास को बढ़ावा देना होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा और ऐसी नीतियां अख्तियार करना होंगी कि नौकरियां सृजित करने वाले सेक्टरों की ओर निवेशक आकृष्ट हों। इसी प्रकार की कुछ और जानकारी के लिए हमारा चैनल 7 जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार शिक्षा से जुड़ी इसी प्रकार की कुछ और जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए चैनल 7।